कार्बी जिले के खेरनी चाराली में विजय चौहान की तालाब में एक एक करके सैकड़ों मछलियां मरने का मामला सामने आया है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं मेरे पीछे जो तालाब है यहाँ पे सैकड़ों मछलियां मर गई है। और मेरे साथ बात करने के लिए तालाब के मालिक विजय चौहान है, उनसे जानेंगे कैसे आपको मालूम चला यहाँ पे मछलियां मरी। जी, मैं सुबह जब आया मछलियों को चारा डालने के लिए तो मैंने देखा कि बहुत सारी मछलियां ऊपर है। जब मैंने अंदर गया तो देखा ये थाईलैंड का बोतल उसमें था, ये बोतल था, तो मेरे को मालूम हुआ कि इसमें जहर डाला हुआ है। तो मैं नज़दीकी पुलिस स्टेशन में FIR लिखवाया हूँ, दे दूँगा अभी। अच्छा, कितना मछलियाँ मरी और कितना रुपए का होगी? 30,000 रुपये का मछलियाँ मर चुकी हैं और बहुत सारे नीचे हैं जो धूप हो गया तो बाहर निकलेंगी, पर अभी जो निकली हैं वो 100 के करीब में है, 100 से ऊपर। तो ये तालाब आपका है? जी, मेरा। क्या नाम है आपका? विजय चौहान। इसमें कितनी की मछलियाँ मरी? इसमें 30,000 का मैं बच्चा डाला था और सारे मर चुके हैं। कैसे मालूम चला कि यहाँ पे मछलियाँ मरी हुई? मैं जब चारा डालने के लिए आया तो सारी मछलियाँ ऊपर हैं, तो मैं तालाब में ढूंका तो देखा हूँ थाईलैंड का बोतल वहाँ पे मिला है, जहर का बोतल मिला है, और पानी लेके सूंघा हूँ तो जहर था। और ये सांप उप सब मर गए हैं, कीड़े उड़े सब मर गए हैं, छोटे छोटे बच्चे आके नहाते हैं इसमें, तो डर इसी बात का है कि बच्चे आके नहाएंगे कुछ हो जाएगा तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। तो अभी आप क्या चाहते हैं, पुलिस को खबर दिए कि नहीं? जी, मैंने पुलिस को खबर दिए हूँ।